बॉलीवुड में कुछ तो गंदा है, लेकिन गंदा है तो धंधा है। तो बॉलीवुड के ही एक कलाकार, गीतकार, गायक हैं पीयूष मिश्रा, जिन्हें आप गैंग्स ऑफ वासीपुर के लिए बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। पीयूष मिश्रा ने एक बहुत बड़ी पोल खोल की है। पोल खोल ऐसी है कि उनका ये कहना है कि एनसीबी जो है वो जांच पड़ताल के नाम पर जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार कर रही है, ये सब कुछ एक दिखावे की तरह है। यानी एनसीबी वो सिर्फ टाइम पास कर रही है, और इन चीजों को हम भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, वो सुशांत सिंह राजपूत मामले में और ड्रग्स वाले मामले में सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रही है, ताकि जब ये केस पुराना हो जाए तो इस केस को लोग पूरी तरह से भूल जाए और हो भी कुछ ऐसा ही रहे। लोग धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को भूलते ही चले जा रहे हैं, और ये जो ड्रग्स वाली बात है ये कोई अभी की बात नहीं है। ये सुशांत सिंह राजपूत का मामला जो है वो हटाने के लिए ही था कि ड्रग्स वाली बात लेकर आओ तो लोग सुशांत वाला मुद्दा भूल जाएंगे, वरना ड्रग्स कोई नई चीज नहीं है। ड्रग्स का कारोबार आज से कई साल पहले से शुरू हुआ है। ये जो ड्रग्स का मामला है ये भारत में 40-50 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो क्या एनसीबी को इन सब चीजों की खबर नहीं होती है? सरकार को इन चीजों की खबर नहीं होती है? इन एक एक चीज की खबर सरकार को होती है। ये पुलिस का जो एक छोटा सा कांस्टेबल भी होता है ना, उसे इन सब चीजों के बारे में जानकारी होती है कि किस तरह की चीजें कहां पर मिलती हैं, किस तरह से इन लोगों को पकड़ा जा सकता है, लेकिन नहीं करते लोग। और यही जो है हमारे सिस्टम में बहुत बड़ा एक कहते हैं ना गैप है, जो गड्ढा है वो कभी भर ही नहीं सकता है। तो पीयूष मिश्रा ने क्या कहा है वो मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। पीयूष मिश्रा ने कहा कि अगर एनसीबी फेमस लोगों के यहाँ पर रेड डालने शुरू कर दे तो कई लोगों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए एनसीबी कुछ नहीं कर रही है। एनसीबी की रेड में 100 ग्राम या 200 ग्राम ड्रग्स सीज किया गया है, जो कोई मायने ही नहीं रखता। एनसीबी उन लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है जो बड़ी मात्रा में कोकेन ले रहे हैं। बात तो बिल्कुल सही कही है पीयूष मिश्रा साहब ने, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जब मामला चल रहा था तो उसे किस तरह से भटकाया जाए, उस लिहाज से रिया चक्रवर्ती को सबसे पहले ड्रग्स वाले मामले में जोड़ा गया। रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शोविक चक्रवर्ती ड्रग्स वाले मामले में 1 महीने तक जेल में रहते हैं। जेल से निकलकर उन्हें जब बेल मिलती है तो वो बाहर आ जाते हैं। पता चल रहा है रिया चक्रवर्ती नया घर ढूंढ रही है, नया घर मिल भी गया होगा, और अब वो बॉलीवुड की फिल्मों में उसे नए नए ऑफर भी मिल रहे हैं। तो यही था एनसीबी की जांच का पूरा रिजल्ट। उसके बाद कॉमेडियन भारती सिंह और उसका पति हर्ष लिम्बाचिया, ये दोनों भी पकड़े गए और 2 दिन में छूटकर यूं विक्ट्री साइन दिखाते हुए बाहर आ गए थे। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, अर्जुन रामपाल का जो साला है वो, फिर उसके बाद विवेक ओबेरॉय का साला, और साउथ की इंडस्ट्री से भी कई सारे लोग ड्रग्स जैसे मामले में पकड़े गए, उनसे पूछताछ की गई, लेकिन ये सब के सब लोग छूट गए। लेकिन आप सोच लीजिए कि जब एक आम इंसान रास्ते पर चलने के समय जब वो बाइक चलाता है और हेलमेट नहीं लगाता है, तो हमारे जो ट्रैफिक हवलदार होते हैं वो चालान काट लेते हैं, और चालान ना देने पर क्या क्या चीजें करते हैं वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, हमारी जो सरकार है, हमारी जान को लेकर उन्हें बहुत बड़ी चिंता है, इसलिए वो हमें निर्देश देती है कि जब भी बाइक चलाओ हेलमेट लगा कर चलो, वरना जब एक्सीडेंट होगा तो तुम्हारी खोपड़ी जो है वो तरबूज की तरह खुल जाएगी और तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन यही सरकार इन चीजों पर ध्यान नहीं देती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। ये सब जो हमारी जो सड़कें हैं उसकी क्या दयनीय स्थिति है उसके बारे में कभी कोई काम नहीं करते हैं, जबकि सिर्फ रास्ते पर जो सड़कों पर गड्ढे होते हैं उन गड्ढों के चलते ही पूरे देश में लाखों लोगों की मौत हो जाती है, लाखों लोग समय पर कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन सरकार इन चीजों पर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि इन चीजों पर ध्यान देना उन्हें सही नहीं लगता। यानी कि जो लोग गड्ढे में गिरकर मर जाते हैं उनकी जो मरने वालों की संख्या है ना, वो किसी आतंकवादी घटना से भी ना बहुत ज्यादा बड़ी है। यानी ये कह सकते हैं कि हमारी जो सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें होती हैं, वो किसी आतंकवादी संगठन से कम नहीं काम कर रही। देखिए, पीयूष मिश्रा ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी बहुत बड़ी बात कही है, और ये बहुत समझदारी की बात कही है। पीयूष मिश्रा ने कहा कि वेब सीरीज में अश्लीलता का इस्तेमाल जबरदस्ती किया जाता है, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तांडव और मिर्जापुर पर मचे बवाल पर भी रिएक्शन देते हुए उन्होंने कहा कि बेवजह का विवाद खड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। हाल ही में रिलीज हुई तांडव पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। वहीं मिर्जापुर पर उत्तर प्रदेश की छवि खराब करने के लिए भी पीयूष मिश्रा ने इस चीज को जिम्मेदार ठहराया है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ये जो वेब सीरीज है इसमें सिर्फ नंगापन नहीं दिखाया जा रहा है, हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का काम नहीं किया जा रहा, बल्कि जो हिंदुइज्म है उसको बार बार टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं जब भी बोलता हूँ कि
इन चीजों में अंडरवर्ल्ड का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, तो लोग बोलते हैं यार पाकिस्तान इतना गरीब देश है, वो कहाँ से पैसे लेकर आएगा। लेकिन ये लोग अपना इतना दिमाग नहीं लगाते कि जो पाकिस्तान आतंकवादी भेज सकता है, इतने पैसे खर्च कर सकता है, और पाकिस्तान खुद नहीं लगाता है, वहां पर जो उनके बिजनेसमैन होते हैं, जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग होते हैं, वो फंडिंग करते हैं पाकिस्तान के लिए कि जाओ भेजो इंडिया में आतंकवादी। तो ये चीज आम इंसान या एक बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन कुछ लोग कमेंट में आकर ऐसी बेवकूफी वाली बातें करते हैं ना, जो जिन बातों का कोई सिर पैर ही नहीं होता है। यहाँ तक कि पीयूष मिश्रा ने मीटू का जो कैंपेन था उसे भी लेकर एक बड़ी बात कही है। पीयूष मिश्रा ने कहा कि लोगों को लगा था कि मीटू मूवमेंट आगे जाकर बहुत बड़ा अभियान बन जाएगा, लेकिन इस अभियान में ही कमी थी और ये आगे नहीं बढ़ सकता था, इसलिए खत्म कर दिया गया। देखिये अभियान तो वाकई में अच्छा था कि भाई किसी भी महिला के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो मीटू के तहत वो उसके ऊपर आरोप लगाकर उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी सजा या जो भी चीजें होती है वो करवा सकती थी, लेकिन इसे भी खत्म करने में हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब तक मतलब वो एक्ट्रेसेस जब तक काम कर रही हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तब उन लोगों ने आवाजें नहीं उठाई, लेकिन जब वो रिटायर हो गई या 10-15 साल बातें पुरानी हो गई तब वो उन कलाकारों पर आरोप लगा रही हैं कि इस पर्टिकुलर कलाकार ने मेरे साथ ये किया था, मेरे साथ ऐसी अभद्रता की थी, मेरे साथ ऐसी अभद्रता की थी। तो सोचिए उन बातों का आज के 15-20 साल बाद कहने पर क्या मतलब है। जब आपके साथ गलत हुआ तभी आवाज उठाओ, यानी कि खाना बासी हो जाने पर उसे खाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके साथ गलत हुआ, आप सही हो, आप उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हो तो तुरंत आवाज उठाओ, 20 साल 25 साल बाद आवाज उठाने का कोई मतलब नहीं है। और यही जो है इस मीटू कैंपेन को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार बना कि इस कैंपेन में सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। अगर आरोप सच्चे भी हैं और सब कुछ सही है फिर भी इस कैंपेन के ऊपर अब किसी को भरोसा नहीं रहा। तो देखिए दोस्तों, पीयूष मिश्रा ने 3 बातें कही और तीनों ही बातें अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इन बातों का कोई मतलब भी नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आप सभी की जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे, आपकी बात मुकेश के साथ, धन्यवाद।